तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये जो स्मिक SMITCH स्मिच या स्मिथ जो भी ये कंपनी है, इसकी जो ये वाईफाई RGB स्मार्ट बल्ब है जो कि 10 वाट का है, इसके बारे में। ये काफ़ी अच्छा बल्ब है जो कि मतलब आप इसको मैं कस्टमाइज कलर का मतलब रोशनी इससे प्राप्त कर सकते हैं, और ये वाईफाई से कनेक्ट होता है और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आखिर क्या क्या फीचर्स हैं और कितने का ये मुझको पड़ा और कहाँ से मैंने इसको लिया। तो सबसे पहले बॉक्स की बात करें तो बॉक्स कुछ इसका इस तरह से है, और बॉक्स में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है कंट्रोल योर स्मार्ट बल्ब फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है, मतलब आपके जो घर का राउटर है वाईफाई उससे कनेक्ट होता है, तो इसलिए इसको आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 16 मिलियन कलर्स हैं, क्योंकि RGB जो पैटर्न है उसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं। आप उनके जो RG मतलब रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उसमें कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इफेक्ट है, मतलब सिंक लाइट टू योर फेवरेट म्यूजिक, मतलब जो आपके स्मार्टफोन में जो म्यूजिक चलेगा उसके अकॉर्डिंग ये लाइट है जो अपने कलर चेंज करेगी। तो ये कैसे होता है मैं आपको अभी आगे दिखाएंगे आपको करके। इसके अलावा आपके यहाँ पे है सीन मोड, मतलब कि सेट योर स्मार्ट होम द वे यू लाइक विथ वन टच, मतलब इसमें कुछ स्मार्ट सीन मोड भी हैं जो कि इसके एप्लीकेशन में है, वो क्या है हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे। बॉक्स है उसमें यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 10 वाट का बेस बल्ब है ये, और एक में स्टार्टिंग गाइड है। तो आप इस बल्ब को जो है ऑपरेट कर सकते हैं Android 6 और हायर वर्जन से, और iOS 10.1 और हायर वर्जन से। इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी है, साथ में ये इसका मॉडल नंबर है, और इसका जो वेट है काफ़ी लाइट वेट है, 120 ग्राम का ही ये बल्ब है। ये सपोर्ट करता है जो वाईफाई करता है वो 802, और ये 2.GHz वाला जो वाईफाई है वो, और जो इसका कूल वाइट जो कलर टेम्परेचर की जो रेंज है वो है ये 2800 केल्विन से लेके 6500 केल्विन तक। जो बल्ब है ये मेड इन इंडिया है। दूसरी साइड की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिसमें इसकी MRP है वो 1199 रुपये लिखी हुई है। एक ईयर की इसकी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है। फॉर मोर विजिट mysmith.com इन्होंने वेबसाइट दे रखी है। नीचे यहाँ पे कुछ जो इसकी एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे QR कोड स्कैनर दे रखा है। तो चलिए मैं एक बार इसको ओपन कर देता हूँ बॉक्स को। इस तरह से यहाँ पे हमको सबसे ऊपर की तरफ लिखी मिल जाती है ये स्मार्ट गाइड, मतलब गाइड, और यहाँ पे ये बल्ब मिल जाता है हमें कुछ इस तरीके से। तो ये है स्मिच का वो स्मार्ट बल्ब। तो यहाँ पे बल्ब के ऊपर रेटिंग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है SB031। तो इस तरह के पिन वाला ये बल्ब है। तो चलिए मैं इसको अभी तो लगा देता हूँ आप प्लग के अंदर, और साथ में हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसकी जो एप्लीकेशन है उसको, और फिर देखते हैं कि आखिर हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये लॉन्च करने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ ये एड स्मार्ट डिवाइस, इसके बाद लाइट्स, अलाउ, कनेक्ट को सर्च करना है स्मिच फॉर वॉट से। नो इंटरनेट, कनेक्ट हो चुका है इस टाइम ये। तो अब इसमें लिखा हुआ है स्टार्ट सेटअप, आई हैव वाईफाई लिविंग रूम। तो यहाँ पे ये वाईफाई आ गया है, मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, जब ये कनेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे जो बल्ब है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, ये थोड़ा सा बीच बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है जैसे उसको कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अब कुछ आया है तो हम इसको कर देते हैं कंटिन्यू। योर डिवाइस इज़ नाउ सक्सेसफुली कनेक्टेड। जो बल्ब है देखो डिफ़ॉल्ट ये सारी सिचुएशन पे चल रहा है। तो मैं एक बार इसको यहाँ पे मोर पे जाता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको देखो यहाँ पर ग्रीन की तरफ शिफ्ट करता हूँ, ये देखिए रोशनी पूरी ग्रीन हो गई। और अभी ये येलो की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये देखिए थोड़ा सा येलो टिंट आ गया है। और मैं इसको बिल्कुल येलो की साइड यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल येलो टिंट आ गया है यहाँ पे। और रेड की साइड शिफ्ट करता हूँ तो ये देखिए रेड रोशनी। यहाँ पिंक की साइड शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पिंकिश। तो
कुल मिला के यहाँ पे जो ये RGB व्हील है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो इसका कलर है वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए रैंडम कुछ कलर्स हैं, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर की साइड आप देखेंगे तो ये म्यूजिक का ऑप्शन है, तो जैसे मैं कोई म्यूजिक चलाऊँगा तो ये उस टाइप से यहाँ पे मतलब वो करेंगी, ब्लिंक करेंगी। तो मैं एक बार थोड़ा सा म्यूजिक चला के दिखाता हूँ आपको। तो कुछ इस तरह से ये म्यूजिक पे डिपेंड करती है। यहाँ पे कुछ म्यूजिक ये ऑप्शन है, यहाँ पे है इफ़ेक्ट्स, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको ऑन। ये क्या है, रैंडम कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंडम कलर इसमें आ रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टॉप, तो ये स्टॉप वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करते हुए कुछ इस तरह से सिंगल कलर में कर दीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कैंडल का, तो जैसे मैं इसको कर देता हूँ तो ऐसा लगता है पूरे रूम के अंदर जैसे कोई कैंडल जल रही हो। ये देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है टेम्परेचर का, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसको बोलता है ये करने के लिए, तो यहाँ पे टेम्परेचर के डिफरेंट मोड्स हैं, तो इस मोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सेट हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कलर व्हील का, तो यहाँ पे जैसे कि वो बताया था तो उस टाइप से कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। इवन आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ऑफलाइन बता रहा है अभी, जैसे बल्ब मैंने ऑफ कर दिया तो इसको मैं बल्ब को ऑन कर देता हूँ। तो ये बल्ब ऑनलाइन आ चुका है। यहाँ पे ये बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे स्विच दिया हुआ है डायरेक्ट, तो आप ये कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर ये सब यहाँ से सेट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे सीन का मोड है, यहाँ पे आप कुछ सीन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कि टेम्परेचर ये हो जाए, कलर कुछ किस टाइप का हो जाए गुड नाइट करते ही, और उसका टेम्परेचर ये हो, तो उसको सेव कर देते हैं। और भी बहुत सारे मोड हैं। यहाँ पे हम इसका फ्रेमवेयर अपडेट का चेक कर लेते हैं, कोई फ्रेमवेयर अपडेट आई हुई है क्या। तो यहाँ पे हाल फिलहाल तो जो फ्रेमवेयर है वो लेटेस्ट बता रहा है, तो कोई फ्रेमवेयर अपडेट यहाँ पे आई हुई नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे कि हम इसको, इसकी ब्राइटनेस का लेवल हम इसके चेंज कर सकते हैं, लाइट की इंटेंसिटी और कितनी तेज आनी चाहिए, कितनी कम आनी चाहिए, वो सब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा बल्ब है, और ये बल्ब है जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। फ्लिपकार्ट पे ये मुझे अभी तो 599 का पड़ा है, जबकि ये शुरू में लोगों को 499 का भी पड़ा था। तो काफ़ी अच्छी डील है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय।